हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है ड्राफ्टिंग रिपोर्ट राइटिंग। चलो जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि आप किसी टॉपिक और प्रॉब्लम पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और उसके रीजंस जान रहे हो कि सॉल्व कैसे करें और इसमें इस रीजंस अप्लाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप अपने रिकमेंडेशंस के साथ उस रिपोर्ट में लिखोगे और हायर ऑफिशियल्स को दोगे, तो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। चलो इसमें देखते हैं कि स्टेप्स क्या है। इस स्टेप्स में पहले आपको डिसाइड ऑन टर्म्स रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे कर रहे हो और किस पर्पस के लिए इस रिसर्च का रिपोर्ट लिख रहे हो। और दूसरा टॉपिक है कंडक्ट योर रिसर्च। चलो जानते हैं कि आप रिसर्च स्टार्ट कर चुके हो, आपने एक टॉपिक ले लिया है और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट है राइट एंड आउटलाइन। आप इसके कलेक्ट करने के बाद एक आउटलाइन बना रहे हो, जैसे कि आपको कौन सा टाइटल रखना है, कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट रखना है, आपने क्या फाइंडिंग्स किया है, एनालाइज किया है, लास्ट में कंक्लूड किया है। ऐसे आपको रिपोर्ट लिखना है, आपने एक आउटलाइन बना लिया। और चारवा पॉइंट है कि आपको फर्स्ट ड्राफ्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने पहले पहले में आपको क्या समझ आया उसको ड्राफ्ट में लिख रहे हो, जैसे आपने आउटलाइन बनाया है। और पांचवा पॉइंट है कि आपको एनालाइज डेटा एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, मतलब होता है कि आप प्रीवियस रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है इस ईयर के डेटा में और प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट होता है कि आपको रिकमेंडेशंस लिखना चाहिए और आपने इस रिसर्च में क्या फाइंड किया है इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। लेटर होता है कि एडिट एंड डिस्ट्रीब्यूट, आपको जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है सब कुछ उसको एडिट कर देना है, नोट्स परफेक्टली लिखना है और सारे चेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। थैंक यू।